लेते हैं, फिर कारक के बाद उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह का मतलब क्या, ब्राह्म का मतलब रुकना या ठहरना और चिन्ह का मतलब निशान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो ब्राह्म चिन्ह का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, रुकना या फिर ठहरना ब्राह्म का। और ब्राह्म जो चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, निशान। तो अब ग्राम चिन्हों की बात करें तो ग्राम चिन्हों की संख्या है कितनी, तो ग्राम चिन्हों की संख्या 25 है। लेकिन कांता प्रसाद के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके अनुसार ग्राम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। तो हम एक एक करके उनका पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है, पहले उनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा क्या, बोलते समय जहाँ हम थोड़ा या ज्यादा ठहराव लेते हैं, लिखते समय वहाँ जो चिन्ह प्रयोग करते हैं या किए जाते हैं उन्हें क्या है, ब्राह्म कहते हैं। तो अब ब्राह्मों की संख्या है कितनी, तो 25 है। लेकिन कांता प्रसाद के अनुसार ब्राह्मों की संख्या कितनी है, तो वो 20 है। तो उसमें से पहली हम ब्राह्म पढ़ेंगे। तो पहला ब्राह्म क्या है, पूर्ण ब्राह्म। तो पूर्ण ब्राह्म का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से रुकना। तो जैसे प्रत्येक वाक्य की पूर्ण समाप्ति के बाद पूर्ण ब्राह्म लगाया जाता है। और पूर्ण ब्राह्म का जो चिन्ह होता है, निशान होता है, वो इस प्रकार का होता है, ऐसे ये लगाया जाता है। फिर इसी में ये कहा कि ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों में किसका पूर्ण ग्राम का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे परिभाषा हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम बाजार जाता है तो लास्ट में ये पूर्ण रूप से रुक गए, तो ये पूर्ण ग्राम है। ऐसे ही आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, जो टिमटिमा रहे हैं ये वाले पूर्ण, ये जो ग्राम है ये क्या है, ये पूर्ण ग्राम है। ये वाक्य के क्या है, अंत में लगती है ये पूर्ण ग्राम। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अब दूसरा नंबर अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये वाला होगा, ये किस प्रकार से, ऐसे किस प्रकार से, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का अर्ध क्या हुआ, अर्ध ठहराव यानी कम समय के लिए रुकना। तो क्या है, एक उपवाक्य या वाक्यांश का दूसरे उपवाक्य या वाक्यांश से दूर का संबंध दिखाया जाए या दिखाने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिजली चमकी फिर बारिश हुई, यानी बिजली चमकी फिर बारिश हुई, एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य से संबंध दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये काम वाला किस प्रकार है, ये अर्ध विराम है। नोट में आते हैं तो अर्ध विराम चिन्ह के स्थान पर समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे कि, चूंकि, ताकि, जिससे कि, आग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से नोट क्या है, अर्ध विराम चिन्ह के स्थान पर समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक है कि, चूंकि, ताकि, जिससे कि, आग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पास हो जाता परंतु वह पढ़ा नहीं, ये इसके स्थान पर इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको भी आप लोग लिख लें और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्राह्म नंबर 3, अल्प ब्राह्म। अल्प ब्राह्म का चिन्ह ये वाला होगा, इसका अर्थ क्या है, बहुत कम समय के लिए रुकना। अल्प ब्राह्म का मतलब क्या है, बहुत कम समय के लिए, इसको इंग्लिश में कामा कहते हैं, वही है अल्प ब्राह्म। अब इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प ब्राह्म लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब है, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प ब्राह्म लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे एक ही प्रकार के मतलब, ये सभी क्या है, फल लिखे हुए हैं, तो आम कामा, सेब कामा, केला कामा, लीची और अमरूद खरीदे गए, तो ये जो कामा है यही क्या है, अल्प ब्राह्म है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। अब अल्प ब्राह्म का दूसरा पॉइंट में क्या है, वाक्यांश या उपवाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका,
अलग ब्लॉक का। तो जैसे महेश स्कूल जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए रुक गए, कामा लगाया और पर पढ़ता नहीं है। तो महेश स्कूल जाता है पर पढ़ता नहीं है, तो इसको अपनी नोट बुक में लिख सकते हैं, किसी भी हिसाब में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, शब्द युग में अलगाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? अल्पविराम का। किसका? अल्पविराम का। जैसे रात और दिन, फिर ये कामा लग गया, अल्पविराम। आज और कल, फिर अल्पविराम लग गया। सुबह और शाम, इस प्रकार के जो शब्द होंगे या वाक्य होंगे उसमें अल्पविराम लग जाएगा ऐसे। फिर अगले पॉइंट क्या है, तारीख के साथ महीनों के नाम लिखने के बाद, यानी तारीख के साथ महीनों के नाम लिखने के बाद सन संवत के पहले अल्पविराम का क्या है प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 26 जनवरी ये अल्पविराम लग गया, फिर सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर अगले पॉइंट में क्या है, उद्धरण चिन्ह से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा अल्पविराम करो या मरो, तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। तो अगर हमारा ये चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।